देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस पर उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम ने विक्टोरिया मेमोरियल में दो नए गैलरी का भी उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। नेताजी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैंने अनुभव किया है कि नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर्मन से जुड़ गई है। उनकी ऊर्जा, आदर्श, तपस्या, त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। नेताजी ने कहा था, भारत डाक छे रोकटो डाक दिए छे रोकटो के, उठो दांडाओ आमोदेर नोस्टो करार मतो सोमय नोय। अर्थात भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे। पीएम ने कहा कि इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष बाबू को महसूस करे, तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, अमर एकता काज कोरते पारवे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो। ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की चिट्ठियों से जुड़ी एक किताब का भी विमोचन किया। पीएम द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। वहीं इस मौके पर नेताजी की थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतन जेब नेरी भी आयोजित किया गया। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।